अरे आप मेरा विधायक है, हम तो यहाँ नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? आश्वासन, आखिर आश्वासन वाला लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा? अच्छा, अगर हम जिंदाबाद कर सकते तो हमको मुर्दाबाद लगाने में भी लेट नहीं लगेगा। रोल, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास पे, और देख सकते हैं यहाँ पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहते हैं, और जो भी फरियादी हैं, तमाम जो फरियादी सुबह से ही चलकर यहाँ पर आते हैं तेजस्वी यादव के पास एक उम्मीद लगाकर, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रोज पहुँचते हैं। कहाँ से आए आप? हम तो राघोपुर से आए, हम डेली आते हैं भैया। क्या कुछ मामला? मामला मेरा है कि राघोपुर के एक पंचायत में एक पर्सन में 5 स्कूल चलता है जी। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने वहाँ के बीओ डीओ बीडीओ जिला सिविल, मतलब हमसे मेरे पास 7 गुड़ी रिसीविंग है, बोलिए गौतम दस फोर दिखा देंगे, 7 रिसीविंग है, कोई सुनवाई नहीं किया। यहाँ हेड मास्टर हाफ पैंट में पहन के कोचिंग, यहाँ से कोचिंग चलाता है, यही रहता है, स्कूल कभी नहीं पहुँचता है। हम इनको तस्वीर जी को भी अवगत कराए इस बात से कि सर आप स्थल पर उतरिए, वहाँ की समस्या से वाकिफ होइए। अरे आप मेरा विधायक है, हम तो यहाँ नहीं आए तो कहाँ जाएंगे जी? अरे आप आज मंत्री बने, इससे पहले मेरा आप विधायक रह चुके जी, अभी प्रेजेंट में है। इनको हम समस्या से अवगत कराए, मास्टर कभी वहाँ नहीं पहुँचते, यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग संस्थान चलाता है, हा? और डीओ का काम किया कि 20,000 रुपया दे के आप अथी करवा दिया। अच्छा, आपसे एक मेरा सवाल है। जी जी पूछिए। जब तेजस्वी यादव का सरकार बना था तो आपने, आपको हमने देखा था यहाँ। जी जी, आप जब सरकार बनी थी आरजेडी की, तो आप खुद को एक आरजेडी लवर बताते हैं, आप यहाँ पे खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, अभी आप एक तेजस्वी के खिलाफ आग बबूला हुआ है। हम नहीं भैया, देखिए अगर विकास की बात आएगी तो हम स्टैंड ले लेंगे। अगर विकास की बात है, हमने जातिवाद पे वोट नहीं दिया, हम विकास पे वोट दिए। अगर विकास की बात है कि तो हम स्टैंड ले लेंगे। युवा चेहरा देख के वोट दिए हैं तेजस्वी यादव, बोल रहे हैं कि धैर्य रखिए, सबका सुनवाई होगा। हाँ ठीक है, सुनवाई होगा। मतलब आपको तो राघोपुर जाना पहचाना क्षेत्र है जी। जी जी, आप नया थोड़ी है वहाँ से, वो आपका जाना 2015 में भी आप वहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो आपका जाना पहचाना क्षेत्र है, नया नहीं। यहाँ मंत्री बने इसलिए बिहार आपको नया लग रहा हो, लेकिन राघोपुर नया नहीं है, नया पूरा। देखे वहाँ 5 विद्यालय चलता है भैया, हमने परिसर में एक ही पर्सन में, एक सरकारी विद्यालय के पर्सन में 5 सरकारी विद्यालय चलता है। इसके संदर्भ में हमने डीओ से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड, इसके पहले तो मुलाकात हुआ था, हाँ मुलाकात हुआ था, हमने उनको आश्वासन दिया गया है। आश्वासन, आखिर आश्वासन वाला लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा? अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो आश्वासन मिला, इस बार क्या इस बार उम्मीद पर आगे अगर विकास होगा तो हम स्टैंड ले लेंगे। अगर हम जिंदाबाद कर सकते तो हमको मुर्दाबाद लगाने में भी लेट नहीं लगेगा। आप बताइए क्या समस्या लेकर? हम लोग जो है, हम लोग 1 साल 1600 रुपये हम लोग काम किए जी। हम लोगों को 1 साल काज करने के बाद हम लोग कुछ जिला लोगों को हटाया गया, उसी आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, और हम लोग इसी आशा उम्मीद से हम लोग मांग रखते आए, और आज तेजस्वी जैसे हम लोग मिलने आए हैं। उन्होंने कहा था पूर्व में जब प्रतिपक्ष सरकार में थे कि हमारी सरकार नहीं है बाबू, यदि सरकार मेरी रहेगी तो आशा मैं उम्मीद देता हूं कि आप लोगों का भी काम हम करेंगे। उसी आशा उम्मीद में हम लोग 6-7 जिला के लोग हटाए हुए टोला सब आए हैं, और आशा उम्मीद है कि भैया हम लोग का काम, मतलब उम्मीद लगाकर पहुंचे हैं जी। हाँ, कहीं ना कहीं जो आप समस्या लेकर पहुंचे हैं, हाँ, उसका समाधान होगा जी। चलिए आप बताइए क्या कुछ समस्या लेकर आए? अग्निवीर आंदोलन में क्या हुआ? क्या हमको, मैंने उसमें फर्जी केस में हमको फंसाया गया, हम उसमें मैंने बैठे हैं, बट हम कुछ मैंने हम लोग आंदोलन पर बैठे थे और कोई मैंने तोड़ फोड़ नहीं, थाना प्रभारी की तरफ से बार बार टॉर्चर। थाना प्रभारी को कोई क्लू मिला होगा आपके थ्रू तभी ना? नहीं, कोई मैंने कुछ हम लोगों ने चौकीदार से हमको झंझट था, जमीन विवाद था, हमको रास्ता नहीं था, हम 2-4 बार गए थे और थाना प्रभारी बोल रहे थे कि तुमको फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हमारा फर्जी तरीके से मैंने फंसाया जा रहा है, और उनको मैंने धमकी दिया जा रहा है कि तुमको मैंने जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, और बहुत मैंने थाना प्रभारी हमको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन है, उसकी बहाली जो है 8 साल पहले आई थी, अभी तक 8 सालों से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है, तो उसी के लिए हम इनको अवगत कराना है वैकेंसी के लिए, वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी के लिए। चलिए आप बताइए क्या समस्या लेकर पहुँचे? हम लोग का समस्या है भैया, हम लोग मेरा नाम राजकुमार दास है, मैं जमुई जिला से आया हूँ। हम पहले भी जो है ना साक्षरता कार्यालय में 3 साल काम किया, 2012 में समस्या क्या मेरा नियुक्ति में मिटा था जी, जिलाधिकारी के मनमानी से आज तक मेरा नियुक्ति नहीं मिला है जी। मेरे ग्रुप में नाम है, पैनल में नाम है, हम लोग जो है ना परेशान होकर। चलिए चलिए, तो अभी आपने सुना तेजस्वी यादव के पास तमाम
लोग हैं अपनी अपनी फरियादें लेकर और कई जिलों से बिहार के अनेक जिलों से और काफ़ी दूर दूर से चलकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लोग इस उम्मीद से पहुँचे हैं कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो हम लोगों की बातें करते थे, अब कहीं ना कहीं सत्ता में आए हैं तो हम लोग की जो समस्या है समस्या लेकर पहुँचे, अब समस्याओं का समाधान उनका होगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने तब जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।